साईराम विषय हिंदी कक्षा चौथी आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कंपलसरी एक्टिविटीज़ है असेसमेंट है जो मैं असाइनमेंट आपको देने वाली हूँ कंपलसरी आपको कंप्लीट करना है और उस उसके लिए मार्क्स भी रखे हैं वो आपको लेने भी हैं इसीलिए ये एक्टिविटी आपको कंपलसरी करनी भी तो अभी हम बात कर लेते हैं असेसमेंट कैसे डिवाइड होता है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक समेटिव असेसमेंट ट्वेंटी मार्क्स फॉर्मेटिव के लिए है और थर्टी मार्क्स समेटिव के लिए है सो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ट्वेंटी मार्क्स जो डिवाइड होंगे उसके लिए आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे और समेटिव असेसमेंट जो रहेगी वो, वो रिटर्न एग्जाम में रहेगी फॉर्मेटिव असेसमेंट अगस्त में है एक और दूसरी सितंबर में अगस्त में टेन मार्क्स के लिए सितंबर में टेन मार्क्स के लिए ऐसे हमारे ट्वेंटी मार्क्स फॉर्मेटिव के लिए हैं उसके बाद हम देख रहे हैं समेटिव असेसमेंट वो है थर्टी मार्क्स के लिए वो है रिटर्न एग्ज़ाम फिलहाल हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो अभी हम देख रहे फर्स्ट सेमेस्टर हमारी फर्स्ट असेसमेंट है अगस्त में फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है टेन मार्क्स के लिए असाइनमेंट वन टेन मार्क्स जैसे कि मैंने आपको कहा अगस्त में हमारे जो फर्स्ट असेसमेंट है वो है असाइनमेंट वन टेन मार्क्स के लिए और वो है कंपलसरी वो रहेगी सेवेंटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी सेंड योर एक्टिविटी विद इन टू डेज़ इन व्हाट्सएप ग्रुप इन पी डी एफ़ फॉम तो ऐसे आपको पी डी एफ फॉर्म बनाना है और वो एक्टिविटी वो असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपका क्लास ग्रुप है उसमें सेंड करनी है विद इन टू डेज़ विदाउट फेल और ये कंपल्सरी है उसके लिए आप फर्स्ट पेज लेंगे उसमें आप लिखेंगे नेम स्टैंडर्ड डिवीजन रोल नंबर एस आई डी नंबर ये आपका फर्स्ट पेज पे रहेगा तो आप हमारा फर्स्ट असाइनमेंट देख लेते हैं, <laughs> दस गुब्बारों का चित्र बनाकर हर एक गुब्बारे में एक जोड़ाक्षर शब्द लिखिए आपको दस गुब्बारे बनाने हैं और उसमें जोड़ाक्षर शब्द जितने भी हमने अभी सीख लिए वो आप जोड़ाक्षर शब्द हर एक गुब्बारे में लिखने वाले हैं ड्रॉ अ बंच ऑफ टेन बलून्स एंड कलर देम राइट वन जोड़ाक्षर वर्ड इन ईच बलून विथ यू नो विच यू नो और ये लेसन नंबर जो हमने सीखे वन टू थ्री से रहेंगे तो देखिए मैंने एक आपके लिए बनाया है मैंने फाइव बलून्स का चित्र बनाया है उसमें मैंने शब्द लिखे हैं तो आपको ऐसे ही टेन बलून्स निकालने हैं उसमें आप शब्द भी लिखेंगे और बलून्स को कलर भी करेंगे देखिए यहाँ पे मैंने फाइव बलून्स का कलर भी किया है और उसमें नाम भी लिखा है जैसे कि टेन बलून्स आपको ऐसे बनाने हैं और उसमें आपको नाम लिखने हैं और ऐसा आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पता है कि आप इसको अच्छे तरह से करेंगे और टेन आउट ऑफ और टेन ज़रूर लेंगे इसलिए आपको अच्छे से बनाएंगे धन्यवाद और ये एक्टिविटी आप नीट एंड क्लीन भी करेंगे